जी गुरु प्यारे संगत जी, फिर असीं चलते हाँ उत्ते। असीं तुहानूं जा के दिखाने हाँ कि उत्ते दी छत्तां दी की हालत है। आओ जी। ओए होए 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 होए, उत्ते काफ़ी चीज़ां जिहड़ियां ने बिल्कुल ही खत्म हो चुकियां ने, जिस तरह जी रूबाब प्लीज। जी ये जब हम नीचे देख रहे थे तो दिस इज़ द लेफ्ट साइड ऑफ गुरुद्वारा जो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है, जिसके फ्लड की वजह से पूरा कम अज़ कम वो 8 से 8 डिग्री तक नीचे गिरा हुआ है लेफ्ट साइड उसकी। अब जब आप नीचे से देखते हैं कमरों में तो तीनों छतें गिरी हुई हैं, तीनों कमरों की, वो आपको यहाँ पे भी नज़र आ रही हैं। वो छत किसी हद तक इंटैक्ट है और वो उसमें आपको फायर प्लेस दिख रही है, नहीं अंदर कमरे में भी फायर प्लेस है, नीचे भी फायर प्लेस थी, ऊपर भी फायर प्लेस है। सो एवरी रूम हैज़ अ फायर प्लेस। अब ये वाला पार्ट वो है जो नीचे कुएं वाला कमरा है जी और जी उसके बिल्कुल ऊपर की छत बहुत सलामत है। अब ये एक इंडिकेशन है, हाँ जी मुझे आइडिया है, ये एक इंडिकेशन है कि जी। यहाँ से ये जगह भी गुरुद्वारे के पास है, कौन सी वाली जगह से? ये जो नहीं, स्टेप्स हैं। स्टेप नहीं, ये फॉर्म पड़ा फॉर्म है। अच्छा, लेकिन मुझे लगता है कि पिछले, क्योंकि ये कमरे बहुत छोटे हो गए हैं और दीवार जो है वो मिल नहीं रही किसी, ये दीवार देखें वो बिल्कुल पीछे की तरफ लीन की है और वो दीवार की अटैचमेंट ख़त्म हो गई है फ्रॉम द वॉल। फिर इस जगह पे अगर आप देखते हैं तो उन्होंने, इस घर वालों ने हाँ जो जी, भी यहाँ रहते हैं, खिड़की बंद करने के लिए उधर लकड़ी का लिंटल डाल के ऊपर और नीचे से कवर किया हुआ है। सो मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है कि गुरुद्वारे की बहुत ज़्यादा जगह इनक्रोच्ड है लेफ्ट और राइट साइड पर। राइट साइड तो मैं देखा ही थी, स्कूल था। हम अब जी। यहाँ से जा सकते नहीं, हैं, यहाँ पे आगे काफी डेंजरस है, गेट बड़ा कर रखा है इसकी वजह से। आप देख सकते हैं कुछ हाँ टूटा जी हुआ है जो जनता खड़ी है। जी 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 वो सारा टूटा हुआ है जगह, ते चलते हैं जी, इसी बस सेकंड पार्ट देते चलते हैं और जाके ते सी तुहानू दिखाने हैं। दूसरी साइड। आप बताएं ना, प्यारा व्यू है। ब्रिटिश दा बनाया होया जिहड़ा रेलवे दा ब्रिज है, उहदे उत्तों इस वेले ट्रेन लंघ रही है, और दरियाए झेलम दे उत्तों इस वेले जिहड़ी है रेल कार जिहड़ी है लाहौर वास्ते जिहड़ी निकलदी है वो जा रही है। इसे तरह ही संगतां कदी झेलम दे रेलवे स्टेशन तो बैठ के ते माइग्रेट करके गईयां होणगियां 47 दे विच, और किन्ना दर्द भरा मंजर होएगा ट्रेन दा उस वक्त, अपने घरां नूं, इन्हां गुरु घरां नूं छड के, अपनी धरती नूं, अपनी लैंड नूं छड के जाना कोई एडा सौखा नहीं सी। किसे दा दिल नहीं सी करदा, बस होणी वरत गई है और होणी दे विच ये सारा कुछ विछड़ गया। बहुत तकलीफ दे है, खास करके उस वेले जदों के तुसी वंड दी गल करदे हो। इत्थों तुसी देखो कि किन्ना खूबसूरत आर्कीटेक्चर है, और किन्ने सोहणे रोशनदान, और उहदे उत्ते वुड दे बने होए पीसिस जिहड़े ने तुहानू जिहड़े ने वो दिखाई दे रहे ने, बहुत ही वधिया लग रहे ने। चलदे हां असीं, तुहानू दूसरा पार्ट जाके दिखाने हां। यार ये फोन सुन लो यार। जी गुरु प्यारी संगत जी, असी तुहानू राइट पार्ट दिखाया, हुण असी लेफ्ट पार्ट दे उत्ते चलदे हां, ते तुहानू असी मजीद डिटेल्स जिहड़ियां ने फर्स्ट फ्लोर दियां जिहड़ियां ने वो जाके ते असी उत्ते तुहानू दिखाने हां। आओ जी रूबाब जी प्लीज। बहुत नैरो, सिर्फ एक बंदा ही चढ़ सकदा और एक ही बंदा उतर सकदा है जी। लो जी, ये फर्स्ट फ्लोर दा कह लो तुसी कि जिस तरह एक सेन करके तीन तीन रूम्स दा जिहड़ा है वो सेन है जी। प्लीज बेसिकली इसमें जो हमें अभी तक समझ आ रहा है, ये सबसे इंटैक्ट बहुत जगह है। खूबसूरत ये। काफ़ी इंटैक्ट है। इसके नीचे वाले जो कमरे हैं वो पीछे इनक्रोच्ड हैं स्कूल के हाँ जी, वो, और इसका जो मेन एक सबसे लग्जूरियस आप कह सकते हैं कमरा हमें मिला है, विच इज़ मतलब गुड इन डायमेंशंस एज वेल, मतलब बड़ा कमरा है। यहाँ पे उनको सेवा रखी है। यहाँ पर ये मार्बल ब्लॉक लगा हुआ है, अच्छा मुझे अभी भी नहीं नज़र बाबा आ रहा। ढिंगा सिंह अच्छा बाहर की तरफ जी है, जी ठीक है सही हो गया। उसके अलावा इसमें फायरप्लेस है और ये सबसे बड़ी फायरप्लेस है और सबसे ज़्यादा
ऑर्नामेंटेड फायरप्लेस है, अभी आपने नीचे भी देखी हैं, वो सादी बनी हुई हैं और इसमें चार चौफेरे खिड़कियाँ हैं। और उसके बाद आप अगर इस तरफ आते हैं, इधर ही पहले जाएं, हाँ जी, आप इस तरफ आते हैं तो ये एक छोटा सा कमरा है, बिल्कुल छोटा सा, और एक खिड़की, एक चीज़ें रखने की जगह, यहाँ से भी सीढ़ियाँ ऊपर आती हैं ना नीचे मेन एंट्रेंस से, हाँ जी। अब इस पॉइंट पे अब ये वो पॉइंट है जहाँ पे जी, अब ये वो पॉइंट है जहाँ पे आप लेफ्ट साइड पे जाते हैं तो आपके पास घर कमरे हैं, राइट साइड पे आपके पास डबल हाइटेड कोर्टयार्ड जो रिसेप्शन है इनकी, एंट्रेंस ऑफ गुरुद्वारा, ब्यूटीफुल, ये ओपन एयर और फ्रेश एयर की बहुत खूबसूरत है, पैशियो जो है, हर जगह खिड़की है, पूरी क्रॉस वेंटिलेशन का सिस्टम है उस खिड़की से इधर नीचे ऊपर, प्रॉपर कोर्टयार्ड है ये छोटा सा, आर्किटेक्चरल डिजाइंस के तहत जो है वो पूरी बिल्डिंग को, वो तो खूबी ये थी ना पुराने आर्किटेक्चर की। एक और यूनिक चीज है जो कलरफुल जो गिलास है उसके अंदर जो है गुरु खंडा जो है, कहीं पर भी पाकिस्तान में आपको नहीं मिलता, और अच्छा, जो यहाँ पर मौजूद है विंडो के अंदर स्पेशली, सही हो गया, बिल्कुल गोथक आर्च के अंदर जो है, सही हो गया, अच्छा चलते हैं उस साइड पे और वहाँ पर भी दिखाते हैं कि सेम रूम जो है उस, अच्छा यहाँ से जो एंट्रेंस है ये गुरुद्वारे के अंदर की है, ओके, जहाँ पे जो मेन हॉल है और जो दर्शनी ड्यूटी जो है वो यहाँ से है बेसिकली। हाँ जी, उसके बाद अगर आप इस साइड पे आते हैं, इधर से भी एक एंट्रेंस है दर्शनी ड्यूटी की, और सेम नहीं, उसका डिफरेंट था डिटेल्स, वो प्रॉपर बड़ी वाली फायर प्लेस थी, इसमें तीन खिड़कियाँ, दो छोटी हैं, एक बड़ी है सामने, और ये निकलता है उस लेफ्ट साइड पे जो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव था, हम सामने खड़े हुए थे, वी हैड एन इंटरव्यू देयर, हम ये एक्सेस नहीं कर सकते थे क्योंकि ये सारी छत टूटी हुई है, एक बार ये छत दिखा दें, हमें लग रहा था क्योंकि उसमें चूल्हा भी पड़ा हुआ है छोटा सा बना हुआ है मट्टी का, हमें लग रहा था कि वो किचन है, लेकिन अभी जब तक जब तक क्लीनिंग नहीं होती हम लोग कुछ नहीं कह सकते, और प्लीज़ उधर बहुत फ्रेजाइल है, ये सारा नीचे गिरा हुआ है, अच्छा ये वही कमरा है जो नीचे कुआं है जिसकी एक छोटी सी छत टूटी हुई है सिर्फ, ओके, वो भी एक बहुत छोटा कमरा है जो कि कन्वर्टेड है इनटू अ बाथरूम, वो हम करवा देंगे, हाँ कुएं वाला उसके नीचे है, ये उसके पीछे वाला कमरा है, अच्छा वो किचन के देखिए कुआं, वो पानी का सिस्टम उन्होंने रखा हुआ, और इधर ही वॉशरूम है, वो जो बाथरूम्स हैं उनका भी उन्होंने रखा हुआ है सिस्टम, और ये सिटिंग प्लेस है, मुझे लग रहा है कि ये इंटरवेंशन है, यहाँ पे बाथरूम हो नहीं सकता है क्योंकि अगर यहाँ पे चूल्हा है नीचे 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 वहाँ पे एक टेम्पररी सा बाथरूम बना हुआ, बाथरूम बने हुए तीन पल्स लगे हुए हैं, हाँ जी वो मैंने देखी है, अच्छा ऊपर बड़ी हाँ ये है, नहीं ये बाथरूम नहीं है, ये इंटरवेंशन है क्योंकि सीमेंट में और छोटा सा कमोड लगाया हुआ है, वो फ्लश लगाया हुआ है उन्होंने, अच्छा बड़ा बड़ी प्यारी सिटिंग प्लेस बनी हुई है, प्लीज आराम से सिटिंग प्लेसेस, अब ये इससे ज्यादा मट्टी थी, ये सिमटना शुरू हुई है, पूरा पूरा पैर आपका अंदर जा रहा है, ये इतनी ज्यादा मट्टी थी क्योंकि खिड़कियां खुली हुई हैं और वो सालों की डस्ट है, ये अभी यहाँ से समेटी है रखी है यहाँ पे, ये सारी जगह साफ करवाई है, इसके अंदर भी बहुत मट्टी थी, वो अभी उसका अच्छा, कुछ हिस्सा वहाँ पे पड़ा है, फ्लोर है यहाँ पर प्रॉपर है, पूरा फ्लोर है और उसके अंदर भी पूरा ब्लैक एंड वाइट एंड रेड, हाँ जी मोटिव्स भी बने हुए हैं नीचे, इधर मोटिव्स काफी जगहों पे, एंट्रेंस पे जब आप अंदर आते हैं डबल हाइट स्पेस पे, अच्छा वही ग्रिल जो है पुरानी बिल्कुल वेल्डिंग के बगैर जो बाइंडिंग वाली जो बिल्कुल बाइंडिंग, और यही जो पैटर्न है अंदर जब आप नीचे कुएं वाले कमरे में जाते हैं उसकी जाली की लाइक सेफ्टी ग्रिल टाइप बना हुआ है, ये सेम पैटर्न यूज हो रहा है, यहाँ से पूरा अगर आप कह लेंगे दर्शनी ड्यूटी इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ से खड़े होकर आप पूरे दर्शन कर सकते हैं, एग्जैक्टली, और आपको यहाँ से फ्लोर पैटर्न भी समझ आ रहा है कि वो किस तरह से डिस्टिंक्ट है, सामने से आप आ रहे हैं उसका फ्लोर पैटर्न फर्क है लेफ्ट और राइट साइड का, एग्जैक्टली सामने से प्रॉपरली, दिस इज हाउ यू टेल थ्रू आर्किटेक्चर,
ये वो चीजें हैं कि जब आप एक चीज ये डिजाइन करते आपकी हैं ना आपकी लैंग्वेज प्रॉपरली, है, ये हाँ, जब आपकी आप लैंग्वेज चीजें है। डिजाइन करते हैं ना प्रॉपरली, तो बेसिकली यू आर गाइडिंग पीपल थ्रू आर्किटेक्चर. ये वन ऑफ द थिंग्स, मतलब आपने एंटर होना है, यहाँ आना है, ठीक है जिधर जी, ये देखो डिफाइंड जी लाइन है, ये सारा थोड़ा कुछ. इधर जी देखो थोड़ा दिन ऐसे करके दिखाओ। जो मत्था टेकना है किसी ने अगर तो बिल्कुल एस राउंड वाले जड़े ने बिल्कुल उन्होंने ऐसे उत्तों दी जाके तुसी मत्था टेकना है उस जगह देते। ऐसे तरह ही अगर तुसी देखो चारों पासे अगर देखने असी ते गुरु घर दी खूबसूरती जड़ी है देखण वाली जड़ी है चारों पासे वो तुहानू दर्शनी ड्योढ़ी तो ही बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रही है। खास करके इस गुरु घर दी जड़ी बहुत ज़्यादा यूनिक चीज़ है वो ए चीज़ है कि जड़ा गुरु खंडा है वो बेल्जियम दे जिहड़ा शीशा है उहदे नाल डिजाइन किया गया वुड कर्विंग नाल करके जिहड़ा कि असीं तुहानूं थल्लों भी दिखाया सी तां बहुत ही वधिया। जदों धुप निकलदी है या शाम हुंदी है तो इन्हां दे अंदरों जिहड़ी रोशनी आउंदी सी उहदी इक अपनी ही खूबसूरती हुंदी है क्योंकि जदों भी कोई चीज़ नूं किसी बिल्डिंग नूं या किसी आर्कीटेक्चर नूं डिजाइन किया जाता है तो उहदी अहमियत भी देखी जाती है और नाल दी नाल उहदी ब्यूटीफिकेशन का भी ख्याल रखा जाता है तो उस टाइम दे बेस्ट आर्कीटेक्चर जिहड़े ने आर्कीटेक्ट्स जिहड़े ने वो हायर किए गए होणगे इस गुरु घर नूं बनाउण वास्ते। और इत्थों किन्नी सोहणी तुहानूं मतलब कि इत्थों खोलो तो पूरे घर गुरु घर दे विच वेंटीलेशन हुंदी है ते तुहानूं एक होर असीं दिखाने हाँ कि जित्थों तुसीं बाज़ार का व्यू कर सकते हो आउण जाण वाला अगर कोई हालात वगैरह होंदे ने कोई इस तरह दे कि गुरु घर का दरवाज़ा अगर बंद है रात दे टाइम तो तुसीं देखना चाहते हो कि वो भी ड्योढ़ी जिहड़ी है बड़ी खूबसूरत एंट्रेंस के उत्ते जिहड़ी है वो ड्योढ़ी जिहड़ी है बनी हुई है जिहदे तों असीं देख सकते हाँ कि बाहर खलोते हुए पूरी स्ट्रीट का व्यू आता है। जितों यह देखो अज भी तुसी एंड तक देखो स्ट्रीट तुहानू नज़र आती है अगर इस पासों तुसी देखो लेफ्ट साइड देखो तो पूरी स्ट्रीट नज़र आती है राइट साइड भी बिल्कुल एंड तक स्ट्रीट जिहड़ी है वह गुरु घर के उत्तों तुहानू नज़र आ रही होंदी है।